Whether it was the Fatah insurgency, whether it is the war in Afghanistan, whether it is the floods, whether it is the earthquake, somehow the other KP gets an unfairly large share of the troubles. KPK, because it is mountainous, it has a particular problem of carrying sick and pregnant women to medical centers. They're away from the development mainstream, they're away from the political mainstream, and in all these situations, women suffer more. And I've seen those remote communities really struggle for things that are taken for granted over here. This inequality is very painful. And this is something that we all have to fight against. Umar Asghar Khan Foundation was established in 2002. After Umar Asghar Khan passed away in very mysterious circumstances, one of the things that was very important to Umar was to look at the dispossessed and people in rural areas. There is a need for a public debate on three main areas: energy policy, water policy, and resettlement policy in Pakistan. हम लोगों ने अपनी ताकत को पहले पहचानना है, इसको पहचानो। कोहिस्तान के पहाड़ों में रहने वाले लोगों से लेकर डेरा इस्माइल खान के रेगिस्तानों में हमारे साथ काम करने वाली कम्युनिटीज मौजूद हैं। मुख्तलिफ इलाकों में हम जाते हैं, वहाँ पे हम उनके साथ मिलकर देखते हैं कि उनके जो इलाके में पब्लिक सर्विसेज हैं उनके क्या इश्यूज हैं। जो भी डिजास्टर आया, अर्थक्वेक आया, फ्लड आया या IDPs का काम हुआ, हर वैली में जाके काम किया। द मोटिवेशन वाज ओनली टू टेक उमर्स वर्क फॉरवर्ड। मेरा नाम मोहम्मद रियाज बसी है और मैं यूनियन कौंसल दोहरा के गांव मुकवाई का रहायशी हूँ। जिस मकाम पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये वो मकाम है जहाँ पर तीन तीन चार चार किलोमीटर तक खवातीन सर पर पानी उठा कर लेकर जाती रही हैं। रोड कंस्ट्रक्शन हैड हैपेंड इन 2015 एंड द वाटर पाइप्स हैड बीन डैमेज्ड एंड वाटर सप्लाई वाज डिसरप्टेड फॉर द डाउनस्ट्रीम विलेज ऑफ मकरवाई। हमारे जो मर्द होते हैं ज़्यादातर तो रोजगार के सिलसिले में घर से बाहर होते हैं। दिन भी दो तीन दफ़ा जुड़ते हैं फिर भी तो, और फिर ब्याह शादी और फिर सारा टालना पैदा मुला था। उसने माल मवेशी को भी संभालना है, उसने बच्चों को भी संभालना है, खाना भी देना है, कपड़े भी धोने हैं और पानी भी भर कर लेकर आना है। मेरा नाम सैयद महबूबुर रहमान है, हमारा गाँव का नाम करोड़ा है, ये डिस्ट्रिक्ट शंगला में वाक़ है। यहाँ के जो अस्पताल है RHC 7-8 लाख आबादी को मिलाते हैं, इसकी रेसिपी RHC है। RHC करोड़ा में हम जनरल OPD करते हैं। यहाँ पे दो वार्ड है हमारे साथ और लेबर रूम है। Some years ago, their transformer burnt out due to a surge in power supply. बाज़ दफ़ा सीरियस मरीज़ आते हैं, यहाँ पे जो मशीनरी वगैरह है, लैब है, अल्ट्रासाउंड है, ये चीज़ें बगैर बिजली के नहीं चल सकती, तो इसी वजह से बहुत से जाने ज़ाये भी हो गए। जब जलजला हुआ तो उस वक्त से लेकर उमर असगर खान फाउंडेशन ने जिन तंजीमों के साथ काम किया उनके साथ हम आज तक हैं। इस इदारे ने लोगों की कैपेसिटी बिल्ड की, मकामी तंजीमों की कैपेसिटी बिल्ड की। इट हैज़ बीन थ्रू स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग ऑन सोशल अकाउंटेबिलिटी, ऑन बजट एनालिसिस, हाउ टू इंगेज विद गवर्नमेंट, हाउ टू इंगेज विद पब्लिक एक्टर्स, हाउ टू रेज द इश्यूज दैट मैटर टू देम, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस गैदरिंग इज रिक्वायर्ड। उमर असगर खान फाउंडेशन ने सबसे पहले हमारे साथ ये जो सोशल एक्टिविटी की जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था।
When public funds are given, whatever is the pie is equally divided among members, and they hardly had anything left to do anything substantial. जब हम लोग अपनी विलेज काउंसिल में गए, मैंने उनको कहा अगर हम ये फंड तकसीम करते हैं इससे न स्कीमें लगेंगी, ये पैसा भी खराब होगा. So he was able to use his understanding of social accountability, went to his village council and he said, look, why don't we pool our resources and put all the money into one project? तो उनको मैंने एग्री किया और उस असूल के आगे ले जाने से हमें फायदा हुआ. जिस दिन हमारे सहन में पानी आया तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ईद का समय खुशी मना रहे थे. सो नॉट ओनली डिड द सोशल अकाउंटेबिलिटी हेल्प आइडेंटिफाई द इशू, इट वाज आल्सो एबल टू मॉनिटर क्वालिटी कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. जब हमारे पाइप आ गए उस पर मैंने एक इंक्वायरी करवाई थी. जब वो पाइप पास हो गए, लग गए हर घर में, उसके बाद इंजीनियर आ गए महकमे के, उसमें पास पानी आंदो अस बड़ी खुशी होंगी है. पानी की सब्जी लाने दूसरे ड्यूटी करनी पड़ी है. फिर जो टाइम हमारा खवातीन का पानी लेने में आता था वो बच्चों की देखभाल में कर रही हैं, वो मुर्गियां पाल रही हैं, वो जानवर पाल रही हैं, इससे हम माशी तौर पर भी बेहतर हुए हैं. उमर अजहर खान फाउंडेशन वालों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं जिसने हमें यही इल्म दिया कि आप अपनी आवाज़ को इस तरह आगे ले जाए. They put out a social accountability action plan demanding replacement of the burnt out transformer. तो हमने अपने लोगों को इकट्ठा कर दिया, कभी एक दफ्तर चक्कर लगा जाते थे, कभी दूसरे दफ्तर. We also work with the government to create platforms, whether it is people's assemblies or खुली कचहरीज. इसी मसले को ये खुली कचहरी में हमने उठा दिया. An action was then taken and the transformer was replaced within a few weeks. ट्रांसफार्मर आने के बाद एक्सरे प्लांट चल पड़ा, लैब चल पड़ी, डेंटिस्ट यूनिट चल पड़ा, लेबर रूम चल पड़ा, और उस दिन की खुशी आपको हम बता भी नहीं सकते. मेरा नाम अब्दुल फराज है और गांव कोलाई से मैं ताल्लुक रखता हूँ. स्कूल जो था हमारा 2005 जो जलजला हुआ था उसमें ये तबाह हो गया था स्कूल. उस टाइम में फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा था, उसके बाद यानी उधर ही रुक गई है. तो फिर भी हम जो साया होता था ना उसके नीचे हम बच्चों को बिठाते थे और अपनी पढ़ाई जारी रखते थे. ये 12 साल तक ये स्कूल बंद पड़ा था, यहाँ पे कोई काम वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था. तो कई लोगों ने तालीम मतलब उनकी ज़ाया हो गई. So social accountability helped organize that community. उसमें हमने जो है ना बजट के हवाले से भी सीखा है, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से हमने सीखा है. तो इसने हर फोन पे इसको उठाया, डीसी के पास भी, ईडीओ के पास भी, डीओ के पास भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने भी उन्होंने एहतजाज किया है इसके ऊपर. That effort helped ensure that the issue of the school remained alive. Finally, they were successful in getting the school reconstructed in 2017. मैं आया तो सबसे पहले मैंने वो तारीख लिख दी कि इस दिन हम स्कूल आए, स्कूल खुल गया. They are now working on more facilities, increasing the number of classrooms, toilets, staff room. मैं खुश हूँ कि थोड़ा बहुत जो है ना हमें कामयाबी जरूर मिली है. मेरा नाम असद अली है और पब्बी तहसील जिला नौशहरा से ताल्लुक़ है. गवर्नमेंट का जो स्ट्रीट लाइट का निज़ाम था वो बहुत ही बोसीदा था, अंधेरा होता था, गिर जाते थे, चोटें लग जाती थी, बहुत ज़्यादा मोबाइल स्नैचिंग, मनी स्नैचिंग यह होती थी महलों में. तो ख़वातीन जो हैं वो ख़ास तौर पे मगरिब के बाद घर से निकलना प्रेफर नहीं करती थी. बच्चे बाहर नहीं जा सकते थे, वो डर रहे थे. तकरीबन 10 से 12 साल बगैर स्ट्रीट लाइट के ऐसे ही लोग रह रहे थे. दिस प्रॉब्लम हैड नॉट बीन आर्टिकुलेटेड वेल इनफ एंड वंस इट वाज आर्टिकुलेटेड अ डिस्कशन ऑन दैट वाज इनिशिएटेड. फिर
फिर हमने उनके साथ मिलकर इसको सोशल एक्शन प्लान एक डेवलप किया और फिर उस पर एडवोकेसी शुरू की। हम डिस्ट्रिक्ट नाजिम के ऑफिस भी गए तो उन्होंने इस पर एक कमेटी के तौर पर काम किया। सब प्रोसेस में हम उसके साथ थे। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फंड से उसके लिए फंड लोकेट किया और उनको दिलवाया। जब मैं घर से निकली और मैंने देखा ऐसा लगता है कि बस जन्नत है। ना कोई मोबाइल चोरी कर सकता है, ना कोई मोटरसाइकिल ले जा सकता है। पहले तो शाम डर में बच्चे पहुंच जाते थे, अभी रोशनी की वजह से वो शाम के बाद भी खेलते रहते। I remember the district Nazim also saying that he had so many people appreciating his action that he ensured that there were street lights across the district. Look, communities can change a destiny in more ways than one by getting organized. If you want to start to fix Pakistan, this fixing has to take place at the grassroots level. No amount of political activism should be expected to have immediate results, but I think it all adds up. And I think that's what Umar Azhar Khan Foundation is doing, is be giving people the voice, the confidence to raise their voice. They empower communities to think, to reflect and to take charge. They have very close contact with government, they work with government both at the provincial level as well as at the district level. And the willingness to work with the government to find solution has been the central strength of Umar Azhar Khan Foundation. Umar Azhar Khan Development Foundation ne hamare sath wo kardar ada kiya hai is activities mein hamari awaaz ko moassar banane mein हमें इदारों तक रसाई दे देने में। हमें आपकी ताकत का पता लग गया तो फिर हम इदारों के पास जाते रहे, उनसे अपना हक मांगा, दिया या नहीं दिया लेकिन मांगा ज़रूर है। दूर दराज के इलाकों में भी अब तंजीम साफ़ी हो रही है, तंजीम उनमें बन रही है, वो मिलकर फैसले करने को तरजीह दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी और एक तब्दीली भी है, एक तरक्की भी है कि लोग जो है ना उस चीज़ को समझ गए कि इतफाक में बरकत है। हमें अपना हक लेने का तरीका बताया है और उस पर जाकर, उन फिक्रों पर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 50% कामयाब हैं।